दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। जिंदगी में ना जाने कब और कैसे मुसीबत हमारे सामने आ खड़ी होती है। इंसान से कभी ना कभी कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो जिंदगी भर के लिए उससे सुख और शांति छीन लेती है और उसे एक डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर देती है। मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूँ। आज से करीब 2 साल पहले काम के सिलसिले में जब मैं गोवा गया था, तब ये घटना मेरे साथ घटी थी। इस घटना ने मुझे इस कदर हिला कर रख दिया कि मैं आज भी एक एक पल डर के साए में जी रहा हूँ। दरअसल एक कैथोलिक प्रीस्ट ने हमें एक खंडर हो चुके चर्च की मरम्मत के लिए हायर किया था और अगले हफ्ते से हमने उस पर काम शुरू कर दिया। जब चर्च की दीवार को तोड़ा जा रहा था तो उसके पीछे हमें एक कमरा नजर आया जिसकी ना तो कोई खिड़की और ना ही कोई दरवाज़ा था। शायद वो एक सीक्रेट रूम था जिसे बाहरी दुनिया से दूर रखा गया हो। तभी हमारी नज़र कोने में पड़े एक लकड़ी के पुराने ताबूत पर पड़ी। उस पर लैटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उसे खोलने की हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम में से उसे कोई नहीं खोल सका। मैंने और मेरे बॉस ने जब प्रीस्ट को उस ताबूत के बारे में बताया तो वे कुछ देर के लिए शांत हो गए और बोले कि उस ताबूत को बिल्कुल मत खोलना, उसे एक सुरक्षित जगह पर रख दो, मैं सुबह आकर सब संभाल लूंगा। प्रीस्ट के कहे के मुताबिक मैंने और मेरे कोलीग्स ने तुरंत उस ताबूत को उसी कमरे में रख दिया और अगले दिन जब मैं गया तो देखा कि मेरे कोलीग्स बहुत परेशान लग रहे हैं। वो ताबूत खुला पड़ा था और उसके बगल में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बुरी हालत में पड़े हैं। मैंने पूछा कि इन्हें क्या हुआ तो मेरे कोलीग्स ने बताया कि कल रात को हमारे जाने के बाद इन दोनों ने उस ताबूत को खोल दिया जिसके बाद इनकी ये हालत हो चुकी है। पिछले 3 घंटों से ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ ही देर में वहाँ प्रीस्ट भी आ गए और तुरंत चर्च पर झाड़ फूंक करने लगे और बोले, मैंने कहा था ना कि इसे मत खोलना, अब बहुत देर हो चुकी है, इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। जब मेरी नज़र उस ताबूत पर पड़ी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसमें ममीफाई की गई एक लाश रखी थी जिसके 2 सिर, 4 हाथ और 4 पैर थे। ऐसा भयानक नज़ारा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। प्रीस्ट बहुत परेशान नजर आ रहे थे। वह तुरंत उस ताबूत को बंद करके अपने साथ ले जाने लगे और जाते जाते बोले, मुझे माफ़ करना, अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर हम सब बहुत घबरा गए। खैर, हम सब अपने अपने काम पर लग गए लेकिन कुछ ही दिनों में हमारे साथ कई अजीबोगरीब हादसे होने लगे। मेरे 2 कोलीग्स चर्च की दीवार गिरने से मारे गए। अगले दिन मेरे 3 और कोलीग्स इस कदर बीमार हो गए कि उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। साथ ही साथ वो सिक्योरिटी गार्ड्स जिन्होंने उस ताबूत को खोला था, उनमें से एक हार्ट अटैक से मर गया। उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो गई। ये सुनकर मैं बेहद शॉक्ड हो गया कि भला एक 30 साल का नौजवान हार्ट अटैक से कैसे मर सकता है। शाम को जब मैं वापस घर लौट रहा था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरी टांग बुरी तरह से टूट गई और मुझे मजबूरन काम से छुट्टी लेनी पड़ी। घर बैठे बैठे मेरे मन में कई अजीबोगरीब ख्याल आने लगे, खासकर लाश का वो भयानक चेहरा मेरी रातों की नींद उड़ा देता था और प्रीस्ट की वो बात कि अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा मेरे दिमाग में इस तरह घर कर गई कि मैं चाह कर भी उसे भुला नहीं पा रहा था। आखिर में मैंने ठान लिया कि प्रीस्ट से उस ताबूत के बारे में जानकर ही रहूँगा। मैंने प्रीस्ट को तुरंत फ़ोन किया और उन्होंने मुझे जो कुछ बताया वो कुछ इस कदर था। उस ताबूत में वो भयानक लाश जो तुमने देखी थी वो सियामीज़ ट्विंस नहीं है बल्कि 2 अलग अलग बच्चों की लाशें हैं।
जिन्हें एक साथ सीने के बाद ममी बना दिया गया। ये बच्चे अफ्रीका के रहने वाले थे। इनके माँ बाप बहुत गरीब थे। पैसों की खातिर उन्होंने अपने बच्चों को एक तमाशा मंडली में बेच दिया, जहाँ से एक तांत्रिक ने इन्हें खरीद लिया। उस तांत्रिक के लिए वो बच्चे इंसान नहीं बल्कि एक ऐसे हथियार थे जिनकी मदद से वह और शक्तिशाली बन सकता है। उसने उन बच्चों को कई दिनों तक एक कमरे में बंद रखा। भूखे और प्यासे वो एक दूसरे से मरते दम तक लड़ते रहे, जिसमें एक की मौत हो गई। इसके बाद उस तांत्रिक ने एक बहुत ही भयानक खेल खेला। उसने उन दोनों बच्चों को आपस में सी दिया, उन पर कोई मंत्र फूंक कर एक ताबूत में बंद कर दिया, जिसके बाद ये बच्चे रियोमन सुकुना नाम के एक राक्षस में बदल गए। तुम्हें बता दूं कि रियोमन सुकुना दो सिर और चार हाथ पैर वाला एक भयानक राक्षस है, जिसका मकसद दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना है। वह कब किसको अपना निशाना बनाएगा ये कोई नहीं जानता। पिछले 100 सालों में दुनिया में जहां कहीं भूचाल, सुनामी या किसी भयानक बीमारी से कई मौतें हुई हैं, वहां पर इसी राक्षस को देखा गया है। वो और उसके भक्त, जिनमें से ये तांत्रिक भी है, आज भी इस दुनिया में दहशत फैला रहे हैं। यह ताबूत गोवा कैसे पहुंचा ये कोई नहीं जानता। जब ये हमें मिला तो हमने तुरंत इस पर झाड़ फूंक करके इसे चर्च में एक सीक्रेट रूम में बंद कर दिया, ताकि किसी की भी नज़र इस पर ना पड़े, क्योंकि जो भी इसे देखता या इसे खोलने की कोशिश करता है उसकी मौत निश्चित है। इस ताबूत को खोलकर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। तुम लोगों ने उस सोए हुए राक्षस को फिर से जगा दिया है। अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर प्रीस्ट ने फोन काट दिया। उनकी बातों ने मुझे अंदर से पूरी तरह हिला कर रख दिया। मैंने तुरंत बैंकॉक के लिए फ्लाइट बुक की और निकल पड़ा। तभी मैंने खबर देखी कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही भयानक बीमारी फैल गई है, जिसकी चपेट में कई लोग आ चुके हैं और एक भयंकर मौत मर रहे हैं। मैं समझ गया कि इसके पीछे किसका हाथ है। अगर आपने भी ये खबर सुनी है तो आप समझ जाइए कि इसके पीछे किसका हाथ है। उम्मीद है कि इसका अगला शिकार कहीं आप ना हो। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।